सलमान खान क्यों चाहते हैं कि करण अर्जुन का सिक्वल बनना चाहिए? करण अर्जुन फिल्म का सबसे पहले क्या नाम था और इस फिल्म में जबरदस्ती कौन सा गाना फिल्माया गया था? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान और शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन को करीब 25 साल पूरे हो गए। ये फिल्म 13 जनवरी 1995 में रिलीज हुई थी। इसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। विलन के किरदार में अमरीश पुरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। करण अर्जुन के लिए पहली पसंद शाहरुख और सलमान नहीं बल्कि कोई और था। सनी देओल और अजय देवगन को ये फिल्म ऑफर की गई थी। हालांकि दोनों के मना करने के बाद ये रोल शाहरुख और सलमान की झोली में आया था। करण अर्जुन साल 1995 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। उस वक्त गर्मी का मौसम था। सलमान खान शाहरुख खान स्टारर फिल्म करण अर्जुन का पहला नाम कायनात था, लेकिन बाद में फिल्म का नाम करण अर्जुन रखा गया। फिल्म में जो रोल काजोल ने निभाया है शाहरुख के साथ, पहले उस रोल के लिए एक्ट्रेस जूही चावला को चुना गया था। करण अर्जुन से पहले सलमान खान ने कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। बेशक इससे पहले सलमान अपनी फिल्मों में शर्टलेस नजर आए हों, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत काम किया था। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी, जिसे दर्शक ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म को राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने असिस्ट किया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। फिल्म का एक गाना जाती हूं मैं जल्दी है क्या, राकेश रोशन के कहने पर जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया। गाने में शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी थी। गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ था। अब सलमान खान का कहना है कि करण अर्जुन का सिक्वल बनना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि करण अर्जुन के सिक्वल में क्या शाहरुख खान सलमान को एक साथ काम करना चाहिए। आपको इस फिल्म के सिक्वल का कितना बेसब्री से इंतजार है।